अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देवास में भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस धूमधाम से मनाया। विश्वकर्मा सामाजिक बंधुओं ने श्रीराम मंदिर परिसर इटावा स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर में धूमधाम से श्री विश्वकर्मा पूजन दिवस मनाया गया। देवास शहर में निवासरत विश्वकर्मा समाज के सामाजिक बंधुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्वान पंडित के आचार्यत्व में पूजन अनुष्ठान हुआ। आरती में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। पूजन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज के पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को समाज के वरिष्ठजनों ने संबोधित करते हुए आगामी वर्षों में इस आयोजन को और भव्यता के साथ मनाने का आह्वान किया, जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। चंद्रमो निरमण अपर्ण उमा पार्वती पयनी नवयोवना शुभ करे साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिंतरूपणी पर देवता भगवती हे महाराज राजेश्वरी वंदे देवां पतिं दुर्गो वंदे जगताकारणां वंदे पद्मनाभं नयनं दोरसांकवाहिनयनं वंदे मुकुन्दं योगेश्वरालयो भगवान की जय। रामदेव जी महाराज।
दीपावली, ओम जय श्री विश्वकर्मा। जैसे अभी हम जैसे देवास
नगर में केवल, तो जहाँ तक मुझे पुरानी जानकारी होगी और कम से कम 800 से ऊपर परिवार है, अभी तो और ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन 400 परिवारों में 50-60 घंटे होते हुए दिखते हैं, तो वो कैसा आप अपने आप को अनुभव करो कि कैसा लगेगा। तो जिसकी संख्या कम से कम 4 से 5 गुना हो, वो केवल एक व्यक्ति से करने से नहीं होगा। हम सब नीचे बैठे हैं या साइड में बैठे, ऊपर बैठे, हर एक व्यक्ति उसको अपना दायित्व ले कि कम से कम एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को संपर्क करेगा और लाएगा, तो हमारी संख्या 3 से 5 गुना आवश्य हो जाएगी। तो इतना प्रयास यदि सब करने की मंशा रखते हो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब इसमें एक अपने तन मन धन से लगने का प्रयास करें, सहयोग दें। मैं श्री भगवान की जय। आज बड़े खुशी का समय है अपने लिए, क्योंकि अपन सब लोग इकट्ठे हुए हैं और होना भी चाहिए। आगे अपने को जैसे भाई साहब ने बताया कि संगठन में शक्ति है, संगठन आगे संगठित होकर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन और अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। उपस्थित हुए हैं, ये यहाँ पर दूसरा वर्ष है, पहले पिछले साल भी हुआ था उसमें भी काफी संख्या थी और इस बार भी द्वितीय वर्ष है, इसमें काफी संख्या देखने को आई है और अपने भविष्य में और अपने संगठित होना है और सब एकत्र होकर अपने को काम करना है और समाज सुधार का काम करना है। जो अपनी कुछ कुरूतियाँ हैं उनको छोड़ना है और इसमें हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबके सब हमारा सहयोग करेंगे, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा जी।